गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सोल्व करेंगे, कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। यानी जो आपके पास सेल है उसमें क्या है, आपके पास जो मार्क प्राइस है उस पर क्या है, 10% का डिस्काउंट है। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क एट रुपीज़ 1450 एंड टू शर्ट एट द रुपीज़ 850 ईच। यानी जो आपके पास शर्ट है वो क्या है, 850 रुपीज़ ईच। यानी एक शर्ट की जो आपकी कीमत वो क्या है, 850 रुपीज़। तो यानी सबसे पहले आपके पास जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट मीन्स हम उसमें से कम करके देते हैं। जैसे कि आपके पास कोई चीज़ 100 रुपये की है, यानी उसकी जो मार्केट प्राइस जो उसका MRP है, वो मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज़ है और उस पर क्या है, 10% का डिस्काउंट है। तो आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले 100 का 10%, तो 10% निकालेंगे 100 का, तो आपके पास क्या आएगा, 10 आएगा। तो अब डिस्काउंट का मीन्स क्या है, ये जो 10 रुपीज़ है इसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जो हम इसके लिए पे करेंगे वो क्या करेंगे, 100 माइनस 10 यानी 90 रुपीज़। तो हम सोल्व करते हैं इसको। जो हमारे पास जींस है वो कितने रुपीज की है, 1450। और जो आपके पास जो शर्ट है, तो आपके पास शर्ट कितनी है, 2 है। एक शर्ट की जो कीमत वो क्या है, 850 रुपीज। तो जो 2 शर्ट होगी वो क्या होगी, 850 प्लस 850। यानी जब इनको हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0017। यानी आपके पास जो इसका MRP है जींस का वो क्या है, 1450, और जो शर्ट का है वो क्या है, 1700। अब आपके पास जो दोनों पर डिस्काउंट है वो क्या है, 10%। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट है 10%, और यहाँ पर भी जो डिस्काउंट आपके पास वो क्या है, 10%। तो जो डिस्काउंट की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, आपके पास जो 1450 उसका क्या निकालेंगे आप, 10% निकालेंगे। तो 1450 जो इसका डिस्काउंट होगा, 10% अपॉन 100, तो यहाँ से आपकी 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, क्या आएगी, 145 के आपके डिस्काउंट की वैल्यू है। तो जींस के लिए जो वो पे करेगा वो क्या करेगा, 1450 माइनस 145। तो यहाँ पर जो कस्टमर है वो पे करेगा वो क्या है आपके पास, 5031। यानी यहाँ पर 1305 रुपीज़ क्या करेगा, वो पे करेगा। बट आपके पास यहाँ पर जो शर्ट है यहाँ पर कितना पे करेगा, सबसे पहले यहाँ पर डिस्काउंट की वैल्यू निकालेंगे हम। तो जो डिस्काउंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 1700 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन 100। तो यहाँ पर आपके पास 20 से 20 आपकी क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो आपके पास जो डिस्काउंट की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 170 रुपीज़। तो यहाँ पर इसके लिए जो वो पे करेगा कस्टमर वो क्या करेगा, 1700 माइनस 170। तो आपके पास क्या आएगा, 0351, यानी 1530। तो जो वो टोटल पे करेगा, जो टोटल पे करेगा वो जींस और शर्ट के लिए वो आपका क्या होगा, 1305 प्लस 1530। तो यहाँ पर इनको हम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 5382, यानी 2835 रुपीज़ क्या करेगा, वो पे करेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बेफेलोज फॉर ₹20,000 ईच, ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%। यानी एक पर है उसको क्या लिया, 5% का प्रॉफिट है, जो गेन है वो क्या है आपका, प्रॉफिट है। एंड ऑन द अदर ए लॉस ऑफ 10%, और जो सेकंड है उस पर क्या है, 10% का लॉस है। फाइंड हिज ओवरऑल
गेन और लॉस, तो आपको बताना है उसको जो ओवरऑल लॉस और गेन हुआ है वो बताना है अपने यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ पर उसके पास क्या है, टू बेफेलोज, तो यानी आपकी एक साइड ये फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड है, और जो दोनों का एसपी है वो क्या है 20,000 ईच, यानी पहले का एसपी भी क्या है 20,000 और सेकंड का भी क्या है 20,000, क्योंकि आपको क्या करा है सोल्ड करा है, तो सोल्ड है तो उसका क्या होगा एसपी होगा, एसपी क्या है 20,000, और इसको हम क्या मान लेंगे एसपी वन, ये फर्स्ट वाले का, और सेकंड वाले क्या मान लेंगे एसपी टू, ये भी क्या आपके पास 20,000। तो जो आपके पास जो टोटल एसपी होगा वो क्या होगा, यानी एसपी वन प्लस एसपी टू होगा, तो 20,000 प्लस 20,000 क्या होगा आपके पास 40,000, जो टोटल एसपी होगा वो क्या होगा 40,000। अब आपके पास जो फर्स्ट है इस पर क्या है गेन ऑफ 5%, तो यहां पर जो गेन हुआ है वो क्या है 5% का है, और यहां पर आपके पास क्या है लॉस है वो क्या है 10%। तो फर्स्ट आप क्या निकालेंगे, इनका सीपी निकालेंगे, तो अगर आपको सीपी निकालना है तो मान लीजिए सीपी वन निकालना है यहां पर, तो सीपी निकालने के लिए आप क्या करेंगे 100/100 प्लस गेन परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी तो यहाँ पर आपके पास जो सीपी वन आएगा वो क्या आएगा 100/100 प्लस गेन परसेंट, और गेन परसेंट आपके पास क्या है 5%, तो 100 प्लस 5 क्या होगा 105 मल्टीप्लाई बाय एसपी, एसपी क्या आपके पास 20,000। तो यहाँ पर आप इसको 5 से कैंसिल करेंगे क्या आएगा 5 2 10 5 1 5 5 2 10, तो यहाँ पर आपका जो सी पी वन आएगा वो क्या आएगा 2 2 4 1 2 3 4 5/20, और जब हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1,9047.62, यानी आपके पास जो फर्स्ट है उसका जो सीपी आएगा वो क्या आएगा 19,047.62, और जो आपका सेकंड है उसका जो एसपी है वो गिवन है, लॉस गिवन है, तो यहाँ पर भी आपको सीपी निकालना है, तो यहाँ पर जो आपका सीपी टू होगा वो क्या होगा 100/100 माइनस, क्योंकि आपको लॉस परसेंट गिवन है, लॉस परसेंट गिवन है, तो आप क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई बाय एसपी, तो यहाँ पर आपके पास जो सीपी टू होगा वो क्या आ जाएगा 100/100 - 10 क्या आएगा 90 × SP = 20,000। तो यहाँ पर आपके पास 10 से 10 क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, तो आपके पास क्या आएगा 200000/9, तो यहाँ से अब आपको इसको डिवाइड करेंगे 9 से, तो आपका क्या आएगा 22.22, यानी 22,222.22। तो यहाँ पर आपका ये क्या है सीपी टू है, तो आपको क्या निकालना है टोटल सीपी निकालना है, तो जो टोटल सीपी होगा वो क्या होगा सीपी वन प्लस सीपी टू, सीपी वन प्लस सीपी टू, और सीपी वन की जो वैल्यू वो क्या आपकी 19,047.62 प्लस, और जो सीपी टू है उसकी वैल्यू क्या है 22,222.22। अगर आपको इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 41269.84, यानी आपके पास टोटल सीपी है, आपके पास टोटल क्या है एसपी है, तो आपको बताना है कि लॉस है या प्रॉफिट है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका सीपी क्या है एसपी से लेस है या ग्रेटर है, तो आपके पास जो एसपी है वो क्या है 40,000, और जो सीपी है वो क्या है आपके पास 41,269.84, तो कहीं ना कहीं जो आपका एसपी है वो क्या है स्मॉल है किसके सीपी है, यानी आपने कोई चीज़
ज़्यादा रुपए की खरीदी और कम रुपए में क्या किया, उसको सेल किया, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। तो आपको जो लॉस निकालना है, जो आपको लॉस होगा वो क्या होगा, आपका सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या आपके पास 41269.84 माइनस जो टोटल एसपी वो क्या है 40,000। तो जो आपके पास जो लॉस होगा वो क्या होगा 1269.84, यानी उसको जो ओवरऑल लॉस होगा वो क्या होगा 1269.84। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 कि द प्राइस ऑफ ए टीवी इज रुपीज 13,000, द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। यानी आपका जो टीवी है उसकी जो कीमत वो क्या है 13,000 है, और उस पर जो सेल्स टैक्स है जो चार्ज किया गया है वो क्या है 12% है। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो यानी आपको वो अमाउंट बतानी है जो विनोद ने इसको क्या किया, बाय करते समय पे किया है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना है कि जो आपके पास जो अमाउंट है 13,000, और सेल्स टैक्स होता है वो क्या होता है, जो शॉपकीपर होता है वो क्या लेता है, कस्टमर से लेता है, और वो किसके पास जाता है, गवर्नमेंट के पास जाता है। तो सबसे पहले आपके पास मान लीजिए जो विनोद ने क्या है जो टीवी खरीदा उसकी जो कीमत है वो 13,000 है, और इस पर जो सेल्स टैक्स है वो क्या है, वो विनोद को पे करना होगा। तो क्या करेगा, प्लस करेगा 12% ऑफ 13,000, क्योंकि जो सेल्स टैक्स है वो कौन पे करेगा, कस्टमर पे करेगा। तो यानी आपके पास यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास जो टैक्स है वो क्या है 12%। तो जो आपके पास प्राइस ऑफ टैक्स होगी वो क्या होगी, आपके पास जो टोटल है 13,000 उसका 10%, यानी आपके पास क्या आएगा 13,000 इंटू 12% 12/100। तो आपके पास 1010, तो आपको क्या करना, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0, 12 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 150। तो यहाँ पर आपके पास जो टैक्स की जो कीमत होगी वो क्या होगी 1560। तो जो विनोद पे करेगा उस टीवी को परचेज करने के लिए वो टोटल अमाउंट क्या होगी, तो विनोद जो पे करेगा वो क्या है 13,000 प्लस प्राइस ऑफ टैक्स। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास 13,000 प्लस 1560, तो आपके पास क्या आएगा 06541। तो जो विनोद पे करेगा वो क्या होगा 14,560 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि अरुण बोट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। जो डिस्काउंट है वो क्या है 20% है इफ द अमाउंट ही पे इज रुपीज 1600। यानी जो अरुण ने जो पे किया है वो क्या है 1600 रुपीज है। फाइंड द मार्क प्राइस, तो उसको क्या निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, मार्क प्राइस निकालनी है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द मार्क प्राइस x रुपीज। अब हमारे पास अगर किसी कीमत 100 रुपीज है और उस पर डिस्काउंट दिया है तो आप क्या करेंगे, उसका 20% उसमें से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई चीज 100 रुपीज की है और इस पर क्या है 20% का डिस्काउंट है, तो आपको क्या करना है, इसके लिए कितने रुपीज पे करेंगे हम, तो 100 माइनस 100 का 20%। तो यहां से आपके पास क्या है 100 से 100 कैंसिल, तो 100 माइनस 20 यानी इसके लिए जो पे करेंगे वो क्या है 80 रुपीज होंगे, और आपने यहां पर जो उसका एमआरपी लेट किया है वो क्या है x रुपीज, और जो आपके पास डिस्काउंट है वो क्या है 20%। तो 20% डिस्काउंट के बाद जो अरुण ने पे किया है वो क्या है 1600। तो
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि आपके पास क्या होगा, x माइनस 20% ऑफ x इज इक्वल टू 1600। तो यहां से आपको क्या निकालना है, x माइनस 20% मीन्स 20/100 इंटू x इज इक्वल टू 1600। तो यहां से आपके पास 21 25 जा, यानी x माइनस x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600। अब आपको एलसीएम लेना है, 5 को एलसीएम लेंगे तो आपके पास क्या है, इसके अपॉन क्या है 1 है, तो आपके पास क्या है 5x माइनस x इज इक्वल टू 1600। तो यहां से 5x माइनस 1x क्या आएगा आपके पास, 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600। आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आपको क्या करेंगे, 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600। x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे तो आपको क्या करना है, 1600 4 अपॉन 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में जो साइड चेंज होगी तो किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा, और डिवाइड में जो मल्टीप्लाई में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5/4। तो 4 1 4 4 4 16, तो जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2000, यानी उसकी जो MRP होगा वो क्या होगा, 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कि आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर ₹5400 इंक्लूडिंग 8% ऑफ VAT, यानी जो VAT आपको क्या है, वैल्यू एडेड टैक्स, फाइंड द प्राइस बिफोर VAT वाज एडेड। तो आपने वो प्राइस फाइंड आउट करनी है जिसमें आपका वैल्यू एडेड टैक्स क्या नहीं हो, इंक्लूड नहीं था, इससे पहले जो प्राइस है वो आपको फाइंड आउट करनी है। यानी जो वैल्यू एडेड टैक्स होता है वो बिल में क्या होता है, आपका ऐड होता है। तो यानी हमारे पास यहाँ पर अगर हम लेट लेट करें कि उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, एक्स है, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर इज इक्वल टू एक्स रुपीज, कि उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, एक्स रुपीज है, और उसमें आपने क्या किया, वैट को क्या करना है, ऐड करना है, जो फाइनल बिल बनेगा वो क्या होगा आपका, ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास जो उसकी ओरिजिनल प्राइस है वो क्या है, एक्स है, और क्या है, एक्स का 8% ऑफ एक्स इसमें क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि वो क्या आपका टैक्स है, प्लस 8% ऑफ x, और आपके पास अगर x प्लस 8% ऑफ x है तो वो क्या, उसकी टोटल प्राइस, यानी जो उसमें टैक्स ऐड होने के बाद जो प्राइस है वो है आपकी इज इक्वल टू 5400। यहां से आपको x प्लस 8% मीन्स 8/100 ऑफ x इज इक्वल टू 5400, यानी 5400। आपको क्या करना है, यहां से 4 से 4 टू जाए 8, 4 25, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, x प्लस 2x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5400। अब आपके पास 25 क्या होगा, आपका एलसीएम आएगा, यहां पर x के अपॉन क्या है 1 है, तो 25 एलसीएम आएगा, तो 125 आएगा, 25x प्लस 25 से 25 क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 5400। तो 25 प्लस 2x आपके पास क्या होगा, 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5400। आपने फाइंड क्या करना है, उसकी ओरिजिनल प्राइस, और वो क्या है आपके पास, x है, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो आपको x की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास ये मल्टीप्लाई में तो साइड चेंज होगी तो किस में जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे, यानी आपके पास क्या है 27x अपॉन 25 इज इक्वल टू 5400। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास 5400 ये आपके पास कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा, जब इसको मल्टीप्लाई में लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा,
तो आपके पास क्या आएगा 25/27। अब 27 से आपका डायरेक्ट कट जाएगा कितने पर, 2 पर, 27 2 = 54। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो क्या आएगी, 200 × 25। तो जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी उसकी, 25 2 = 50। तो आपके पास जो हेयर ड्रायर है उसकी जो ओरिजिनल प्राइस होगी वो क्या होगी, 5000। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 8.2 कि एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर रुपीज 1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। तो यहां पर जो आपके पास जीएसटी वो क्या है, गुड्स सर्विस टैक्स, यानी जैसे आपके पास वैल्यू एडेड टैक्स है वैसे आपके पास क्या है, जीएसटी भी क्या है, टैक्स है। फाइंड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिफोर जीएसटी वाज एडेड। तो आपने वो प्राइस बतानी है जिसमें जीएसटी एडेड करने से पहले जो उसकी प्राइस थी, यानी उसकी ओरिजिनल प्राइस आपने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेट करेंगे वो क्या है, लेट ओरिजिनल प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स रूपी, यानी जो आर्टिकल है उसकी जो ओरिजिनल प्राइस है वो हमने क्या की, लेट की एक्स रूपीज। अब यहां पर जो जीएसटी है वो क्या है, 18%। यानी आपके पास जो फाइनल बिल बनेगा उसमें क्या हुआ, ओरिजिनल प्राइस प्लस जीएसटी, यानी ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स, यानी जो भी आपका है जीएसटी है या जो वैल्यू एडेड टैक्स जो भी है, तो यहाँ पर आपका क्या भी होगा, जीएसटी। तो यहाँ पर ऐड क्या होगा आपका, जीएसटी। तो यहाँ पर आपका जीएसटी क्या क्या होने, 18%। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस प्लस 18% ऑफ ओरिजिनल प्राइस, यानी 18% ऑफ एक्स। तो आपके पास क्या होगा, ये ओरिजिनल प्राइस है, ये क्या है, 18% ऑफ एक्स, यानी क्या इंक्लूड है इसमें, जीएसटी। और जीएसटी इंक्लूड होने के बाद जो इसकी प्राइस है वो क्या है, 1239 रुपीज। तो आपके पास क्या है, एक्स प्लस 18% ऑफ एक्स मीन्स 18/100 × x = 1239। तो यहां से आपका 2 से क्या आएगा, 9 आएगा, 2 से क्या आएगा, 50 आएगा। तो आपके पास यहां पर 1 है तो 50 अगर आपका एलसीएम आएगा तो आप क्या कहेंगे, 50x + 9x = 1239। तो यहां से 59x / 50 = 1239। तो यहां से आपके पास जब x की वैल्यू निकालेंगे आप तो 59x = 1239। x की जो वैल्यू आई वो क्या है, 1239। ये आपके पास किसमें, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में होगी तो कहां पर जाएंगे, डिवाइड में जाएंगे। अब डिवाइड में जाएंगे तो आपके पास क्या आएगा, जब इसको मल्टीप्लाई में जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब 59 से कैंसिल करेंगे तो ये डायरेक्ट किस पर जाएगा, 21 पर जाएगा। अब 21 की 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, x = 21 5 = 105। तो आपके पास जो ओरिजिनल प्राइस आएगी उसकी वो क्या आएगी, आर्टिकल की 1050। तो यानी यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट है। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन।